कि सिर्फ काम करके या सिर्फ मेहनत से लाइफ अच्छी नहीं। माइंड ही एक ऐसी चीज है जो नेचर में सिर्फ इंसानों को, ये सारी चीजें हमारी आती है हमारे दिमाग से, कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम कुछ आपके सामने ऐसी बात करने वाले हैं जो आपके मोरल को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी। आखिर हमारी लाइफ कैसे अच्छी होती है, क्या है हम सब चाहते हैं इस दुनिया में? जितने भी लोग हैं गाइस, सब के सब चाहते हैं हमारी लाइफ एकदम कंफर्टेबल रहे, हमें कुछ ना करना पड़े, एकदम मेरे सामने में खाना आ जाए, बना बनाया, वो भी अच्छे वाला, और हम कोई काम ना करें। बिल्कुल भी नहीं, भूल जाइए। अगर हमें अच्छी लाइफ चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़े। बट दिस इज अ सेपरेट पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन दिस। आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कि सिर्फ काम करके या सिर्फ मेहनत से लाइफ अच्छी नहीं होती। हम सब चाहते हैं अच्छी लाइफ चाहते हैं, अच्छा ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में, कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, इंजॉय चाहते हैं, एंजॉयमेंट चाहते हैं लाइफ में, बट रियली ये चीज़ें कहाँ से मिलती, आती कहाँ से, ये कौन देता है हमें? Can you guess? It's not. ये सारी चीजें हमारी आती है हमारे दिमाग से, माइंड, इट इज कॉल्ड माइंड गेम। माइंड ही एक ऐसी चीज है जो नेचर ने सिर्फ इंसानों को प्रोवाइड, और सिर्फ माइंड की वजह से ही आज हम इतनी अच्छी लाइफ, इतना अच्छा ग्रोथ, इतना अच्छा एक कम्युनिटी डेवलप कर पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अदरवाइज ये दो हाथ, दो पैर, मुंह, आंख, नाक, तो द ओनली डिफरेंस इज जो हमारे पास है और उनके पास नहीं है इज कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग, कॉल्ड माइंड गेम। सो क्या होता है इस माइंड से, हमें क्या देता है माइंड? माइंड हमारे बॉडी को कैसे क्या करता है, ये तो हम सब जानते हैं कि माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, बट उससे ज्यादा क्या है? ये सिर्फ इतना नहीं है कि माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, माइंड हमारी बॉडी को उससे कहीं ज्यादा कुछ करता है। माइंड एक ऐसा जोन है गाइस, एक ऐसा एरिया है जहां पे हमारी बॉडी बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करती है जैसा हमारी माइंड ने सोचा है। मैं आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, और आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि एक बार क्या हुआ था कि किसी जेल के कैदी को फांसी मिलने वाली थी, फांसी की सजा हुई थी, बट उसे बताया गया कि तुम्हें फांसी ना देके तुम्हें सांप से कटवा दिया। जस्ट स्टोरी, सीरियसली स्टोरी। सो तुम्हें सांप से कटवा कर मारा जाए, उसके मुंह ढक दिए गए, और एक्चुअली क्या किया गया उसके साथ, उसे सांप से ना कटवा के उसे एक सिंपल सी छोटी सी पिन चुभो दी, मर गया। नाउ इट इज अ वंडर दैट एक पिन, छोटी सी पिन चुभोने से हार्डली इतना सभी ब्लड उसका नहीं निकला होगा, एक पिन चुभोने से कैसे कोई मर सकता है? दिस इज कॉल्ड, यहीं पे सारा गेम है। उसके दिमाग में पहले से ही इतनी सारी चीजें भरी हुई है, मुझे अब सांप काटेगा, अब सांप काटेगा, अब सांप काटेगा, और जैसे उसे पिन चुभी, तो ये गेम है माइंड का, इसे कहते हैं माइंड गेम। जैसा हमारे दिमाग ने सोच रखा है हमारी बॉडी बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट। कई जगह हम सुनते हैं, हमें रास्ते में हम चलते हैं अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरी सड़क, सुनसान जगह है, कहीं दूर दूर तक ना लाइट है, ना कोई आदमी है,
चले जा रहे हैं, अचानक हमें लगता है कहीं दूर में कोई खड़ा है। एक्चुअली वहाँ कोई नहीं होता। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, और इसी को हम कहते हैं ये यस इसी को हम कहते हैं ये भूत है और घोर से। करेक्ट। कि जब मैं वहां दूर में था तब तो मुझे दिखा था, लेकिन जैसे ही मैं यहां पहुंचा यहां तो है ही नहीं। बट एक्चुअली अगेन दिस इज कॉल्ड माइंड। ये हमारा दिमाग, जब मैं बहुत दूर में था हमारा दिमाग ऐसा इमेज बना रहा था कि कहीं मुझे कोई अटैक ना कर दे या मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो चारों तरफ बिल्कुल ऐसे देखते जा रहे हैं कहीं कोई तो बैठा तो नहीं है, कोई है तो नहीं। और ये माइंड एक इमेज क्रिएट करता है सामने, यस वहाँ कोई बैठा है, वहाँ कोई है। जब हम जाके देखते तो एक्चुअली तो वहाँ कोई है ही नहीं। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा माइंड हमारे साथ कितना बड़ा गेम। बट गेम ही खत्म नहीं होता है, ये सारे गेम जो होते हैं ये निगेटिव की साइड होते हैं। हमारे लाइफ को जो नीचे की तरफ खींच, ये सारे गेम क्या हो, अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, क्या हो कि अगर हम पॉजिटिव की साइड सोचने लगे, हम ये सोचें कि यस करेक्ट राइट। अगर हम सोचे कि हम इस दुनिया में एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान, सक्सेसफुल इन द सेंस ऑफ नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, सक्सेसफुल सेंस ऑफ एक अच्छा इंसान, वी कैन। हमारा माइंड अगर ये सोच ले कि हम एक बहुत ही इंजॉयफुल लाइफ, इंजॉयमेंट लाइफ में बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, बॉडी रिएक्ट करेगी बिल्कुल उस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो ये इम्पैक्ट होता है सोच का। सोच सोच बहुत 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 बड़ी पावर रखती है बॉडी को चेंज कर। आई थिंक यू आर एबल टू यस चेंज योर थॉट। करेक्ट। यू आर एबल टू चेंज योर थॉट एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। जस्ट अ माइंड।